आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लिया करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट के लिए अभी आपको जैसे पता ही है कि दो दिन लगातार सुनवाई हुई है, 19 और 20, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं किया है। अगली डेट जो है वो आगे की बढ़ा करके लगा दी गई है, तो अभी आपका ये मामला जो है आगे तक चलेगा। लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त के पहले पहले मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। और अब शासन स्तर पे भी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसमें सारी चीज़ें कंफर्म की जा रही हैं कि किस विभाग का कार्य कैसा रहा है। और जिन भी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आज तक शासन से शिकायतें की हैं उन सभी चीज़ों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और उन सारी चीज़ों पर मुख्यमंत्री महोदय ने एक्शन जरूर लिया है। और इस समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और स्वयं के भी माध्यम से मैंने कई ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किए हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको ज्ञापन सौंपवाए हैं, उनके लेटर पैड पे भी लिखवा करके दिया है। तो ये सारी चीज़ें करने के उपरांत अब इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। SERT ने जो प्रस्ताव बना करके भेजा है कि हमारे पास जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं उस पर 80,000 पदों पर तत्काल भर्ती की आवश्यकता है और पूरी सहमति 74,000 पर बनती हुई दिख रही है, ठीक है। आगामी समय में आप सभी लोगों को जो है कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, कुछ नई चीज़ें सुपरटेट में हटाई गई हैं, है ना। जैसे आपका जीवन कौशल हो गया, शिक्षण अभिरुचि वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है ना। और आपका कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका जो है क्या बोलते हैं संस्कृत हो गया, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक। और उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं और उसमें पर्यावरण के स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक है। और आपके GK GS के थोड़ा से पैटर्न को और आगे बढ़ाया गया है, ठीक है ना। हिंदी के क्वेश्चन को और बढ़ाया गया है, ठीक है। मैथ को थोड़ा कम डाउन किया गया है क्योंकि मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, तो उसको घटा करके 15 क्वेश्चन पे लाया गया है। और शेष में कुछ चीज़ें और नई ऐड की गई हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर जो है मतलब इसमें रहा है और कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं वो आप लोगों के लिए हित के लिए हैं और विद्यार्थी उसको पढ़ने में बड़ी रुचि भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके लिए PGT PGT के विषय में। फार्मोका फिल्टराइजेशन का कार्य आरंभ हो चुका है और पहले ही दिन लगभग 30,000 फार्मों का फिल्टराइजेशन हुआ है। मतलब 30,000 फार्मों में लगभग 7,000 फार्म रिजेक्ट किए गए हैं, ठीक है। ये रिजेक्ट लिस्ट आप लोगों को एडमिट कार्ड लेते वक्त पता चलेगी और कि आपका फार्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और मान लीजिए ये विद्यार्थी कहते हैं ना कि हमारा तो एडमिट कार्ड आया, मैंने एग्ज़ाम दिया। मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप जब वेरिफिकेशन में जाओगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने एग्ज़ाम तो दे लिया है, अब क्या होगा, है ना। तो वो समस्याएं आपको तब आती हैं, ठीक है। उन समस्याओं से अभी ही निजात पा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और TGT PGT में ये कन्फर्म हो चुका है कि आप लोगों को 7,700 पद वो देखने के लिए मिलेंगे। विज्ञापन आपका 12,500 का हो चुका है और ये कन्फर्म हो चुका है कि आपको 7,700 पद इसमें जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। जो विज्ञापन आपका 4,200 का आया था, इसमें वो लगभग 12,000 का हो चुका है, ठीक है। तो और सर्वाधिक पद जिन विषयों में हुए हैं उसमें आपको SST अर्थात सामाजिक विज्ञान सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नंबर आता है आपके हिंदी का, गणित का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, कला का, गृह विज्ञान का, है ना।
इसमें जो है पदों की संख्या इंक्रीज हुई है। कॉमर्स में, जीव विज्ञान में, विज्ञान में और आपके उर्दू में, इन सभी में पदों की संख्या बढ़ाई गई है। कृषि में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है और सिलाई जैसे विषयों में पदों की संख्या इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सिलाई विषय को अब जो है पूरी तरीके से समाप्त करने की इजाजत गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई है। मतलब अब TGT लेवल पे सिलाई नहीं होगा, ठीक, सिलाई सब्जेक्ट नहीं कराया जाएगा, वो प्रवक्ता लेवल पे भेजा जाएगा। बात समझ में आ रही ना? मतलब अब जो स्विमिंग सब्जेक्ट है उसको TGT लेवल पे नहीं रखा जाएगा, अब वो PGT लेवल पे जाएगा, उसमें भी सीटें 10, 5, 11 ऐसी सीटें आएंगी, ठीक है, बात समझ में आई। और जो संगीत गायन संगीत वादन में पदों की संख्या बेहद कम थी उनमें भी 12, 14, 14 पद बढ़ा दिए गए हैं, तो अब विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आप सभी लोगों ने मेहनत से ईमानदारी से अपनी सर्विस को हासिल करने का जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है। यदि आप सभी लोग हमारे नोट्स आज से तैयारी करना चाहते हैं तो आप TGT, PGT, LT, GRC, TET, CTET, SuperTET, PET आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को हमारे नोट्स से पढ़ाई करनी चाहिए। 97 21 13 85 पर आप व्हाट्सएप करिए और आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। और सबसे पहली चीज है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी लोगों को जो बेहतरीन अवसर हम प्रदान कर रहे हैं उस अवसरों में इतना तो जरूर सम्मिलित किया गया है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट आइटम प्रोवाइड कराए गए। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन जो जिस लेवल पे पहुंच चुका है ना मेरे भाई, वो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कब कहाँ कैसे टपका दे आपके सामने, 5 क्वेश्चन भी अगर आपके सामने ला करके रख दिया तो वही 5 क्वेश्चन आपको कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो साल पेपर मार्केट में मिलते हैं उसमें आंसर वगैरह बहुत गलत होते हैं। बात समझ में आ रही ना? बहुत आंसर गलत हो, रिपीटेड क्वेश्चन, विद्यार्थी वही पढ़ता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कंपटीशन से बाहर कर देती है। आप भले ही कितना अच्छा पेपर करके क्यों ना चले आओ, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर कंपटीशन से बाहर कर देता है, क्योंकि वो प्रश्न हर विद्यार्थी के लिए जो होता है वो एकदम आसान होता है, हर विद्यार्थी को आता रहता है वो प्रश्न, और वही आपको आपने गलती की तो वही आपको कंपटीशन से पीछे कर देता है। कठिन प्रश्न तो सबके लिए कठिन होते हैं लेकिन आसान प्रश्न हर विद्यार्थी के लिए आसान होते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन तो खास तौर पर जो है मतलब एक आप लोगों के लिए बूस्टर पॉइंट होते हैं। अगर आपने रिपीटेड क्वेश्चन गलत किए तो आप कंपटीशन में बने रहने के कोई हकदार नहीं, और यही होता है, विद्यार्थी जो है वही साल पेपर पढ़ करके जाते हैं और वही क्वेश्चन अगर मान लीजिए रिपीट हो गया तो वही कहते हैं हम तो पढ़ के आए, टिक मार देते हैं, अमूमन यही होता है और विद्यार्थी कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हमने अपने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पूरे पुस्तकों में जो पुस्तकें, देखिए हमारे मैटर में क्या है कि जो मैटर में हमने आपको प्रोवाइड कराया है 5 से अधिक पुस्तकों में जो आंसर मिला है उसी आंसर को उसमें इंक्लूड किया गया है, और जो भी आपके TGT PGT में जो भी आपके साल पेपर बनाए गए हैं, LT GRC के लिए बनाए गए हैं, साथ ही साथ TET CTET SuperTET के लिए बनाए गए हैं, उसमें पुस्तकों से ढूंढ ढूंढ करके उसमें आंसर डाले गए हैं ताकि विद्यार्थी अगर रिपीटेड क्वेश्चन पढ़े, अगर वो एग्जाम में आता है तो वो गलती ना करे, ठीक है। 97 41 13 85 पर आप इसे प्राप्त करिए। और विज्ञान को हमने 2 खंडों में बनवाया, सामाजिक विज्ञान को 4 खंडों में बनवाया और 1 सम्मिलित खंड में बनवाया, हिंदी को 2 खंडों में बनवाया, संस्कृत को 3 खंडों में बनवाया, गणित को 3 खंडों में बनवाया, अंग्रेजी को 2 खंडों में बनवाया, विज्ञान को, जीव विज्ञान को 1 खंड में बनवाया, गृह विज्ञान को 1 खंड में बनवाया, कला को 2 खंड में बनवाया,
और ऐसे ही नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं अपने विद्यार्थियों को। एलटी ग्रेड का मैटर पूरी तरीके से अलग होता है। आप ये सोच लेते हैं कि टीजीटी में जो हम पढ़ रहे हैं वो एलटी ग्रेड में भी हमें काम आएगा, तो उसमें जो स्तर होता है उसका वो बहुत ऊंचा होता है एलटी ग्रेड में, ठीक है। तो आप सभी लोग 97.5/85 पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कला विषय को लेकर के भी विवाद समाप्त होता हुआ दिख रहा है। शासन ने अपनी रिपोर्ट लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी है। अपडेटेड सारी चीजें लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुकी हैं। यूजीसी के ग्रांट का जो है वेट किया जा रहा है और पूरी तरीके से यकीन है, क्योंकि हमारी जो टीम गई है दिल्ली, यूजीसी का ग्रांट भी आप लोगों का वो 25 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग को विज्ञापन जारी करना है। विज्ञापन के जारी होने के उपरांत आप लोगों को आवेदन के लिए केवल 21 दिन का टाइम मिलेगा और 21 दिन के टाइम के अंदर ही लोक सेवा आयोग अपने टाइम स्लॉट में एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के एग्जाम आदि को भी एकदम प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है ना। आप लोगों को जो एग्जाम टाइम मिलेंगे वो 35 दिन के अंदर ही मिलेंगे, और जो ये 35 दिन होगा ये आप लोगों के लिए किसी ओवन टाइम से कम नहीं होगा। ओवन टाइम का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ओवन में आप लोग कोई चीज पिज्जा बर्गर रखते हो पैक पकाने के लिए, तो क्या होता है वो 5 मिनट के अंदर एकदम बढ़िया तल भुन जाता है ना। वैसे ही ओवन टाइम होगा आप लोगों के लिए, किसके लिए, एग्जाम के लिए, जो एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता होगा। जो विद्यार्थी अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं, आज मैं आप लोगों को बता दूं लगभग 3600 विद्यार्थियों ने मुझसे एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के मैटर प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी का जो मैटर प्राप्त किए हैं विद्यार्थी, वो लगभग लगभग और लगभग 2800 विद्यार्थियों ने टीजीटी पीजीटी का मैटर लिया है और 1600 विद्यार्थियों ने मुझसे सुपर टेट का मैटर लिया है, ठीक है ना। अब बात समझ में आई। तो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी कम है लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी के विद्यार्थी ज्यादा है, ठीक है। मतलब अबे वैकेंसी पे काम हो रहा है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है ना वो लग गए हैं इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को भी अगर नोट्स आदि हमारे चाहिए तो आप 97.5/85 पर आइए। 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ हम आपको नोट्स आदि प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है उसके विषय में कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के ओएसडी कार्यकारी अधिकारी से बात किया गया था, तो उन्होंने बताया कि विज्ञापन हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन अभी एनआईसी ने जो है हमारे वर्क को लिया ही नहीं है और अभी एनआईसी व्यस्त है, लेकिन एनआईसी को पत्र भेजा गया है कि हमें विज्ञापन जारी कराना है, विज्ञापन को दे करके उससे आवेदन भी लेना है विद्यार्थियों से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की स्वयं की वेबसाइट नहीं है और इसमें गवर्नमेंट ने लगभग सभी भर्ती संस्थाओं को ये आदेशित किया है कि आप लोग अपने स्वयं के वेबसाइट को तैयार कराएं, स्वयं का सर्वर रखें, ताकि किसी भी तरीके से जो डिफॉल्टिंग वाली समस्या होती है कि पता लगे विद्यार्थी क्या करता है कि पूरा आवेदन भरता है और जैसे इस फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना चाहता है पूरा बैक मार देता है, चलो फिर से भरो, ऐसे 5 बार करता है विद्यार्थी भी उग करके रख देता है, टाइम वैसे दिक्कत में आ जाता है वो, है ना। तो ये इन सारी समस्याओं से बचने के लिए जो है वो सारी चीजें आप लोगों के लिए की जा रही है, ठीक है। और कई विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आएंगे, तो चयन बोर्ड में सदस्य हम बता तो दिए ना आपको, 15 सदस्य चयनित हो चुके हैं और 15 सदस्यों के चयनित होने के उपरांत उसमें 2 सदस्य हमारे भी हैं, हमारे परिचय के हैं, ठीक है। तो 15 सदस्यों का चयनित होने के उपरांत अब ये बात सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर चयन बोर्ड बहाल होगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। जहां तक संभावना है 60-40 का बन रहा है, अर्थात 40% संभावना है कि चयन बोर्ड बहाल होगा और 60% संभावना बन रही है कि आपका नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, ठीक है। देखते हैं आगे आगामी समय में क्या होता है, और क्योंकि ये शासन स्तर का मामला है इसलिए हम ज्यादा उस पर दबाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों के लिए जानकारियां निकलवा करके लाएं
और बहुत सारे विद्यार्थी हमसे बहुत उम्मीदों के नजरिए से देखते हैं। मैं उन विद्यार्थियों के किसी भी तरीके से सपने को टूटने नहीं देना चाहता, क्योंकि उनका जो विश्वास, उनका जो भरोसा हम पे है, वही विश्वास वही भरोसा उनका कायम रहना चाहिए। इसके लिए हम सतत प्रयास भी करते हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपका विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन होगा, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 26,162 पद पर देखने के लिए मिलेगा। वैसे शासन ने तो मंजूरी 30,000 पदों के लिए दी है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है जो अधिकारी बता रहे हैं कि 26,362 पदों पर 26,162 पदों पर आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। और 1500 नई SI की भर्ती आएगी, दरोगा की भर्ती, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करने की आवश्यकता है। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डटे रहिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को नोट्स आज प्राप्त करने 97/41385 पर अपना एड्रेस वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नोट्स आज मिल जाएंगे। और तैयारी करिए ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी नैतिकता के साथ। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और उसका निर्वहन करिए। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं CTET के लिए और UPTET के लिए। UPTET के लिए विद्यार्थी परेशान है कि सर जी अगर SuperTET का विज्ञापन आ गया तो UPTET उसके पहले हो जाएगा कि नहीं। तो UPTET के लिए भी आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। अगस्त में आप लोगों के विज्ञापन के आने की प्रबल संभावना दिख रही है। SCERT से कल बातचीत हो रही थी एक अधिकारी से, और वहां से जानकारी प्राप्त की गई तो SCERT ने कन्फर्म कर दिया है कि UPTET का जो आवेदन है वो अगस्त माह में ले लिया जाएगा और सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। कमोबेश आपकी परिस्थितियां SuperTET की भी वही बन रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि SuperTET का विज्ञापन नहीं आएगा, आएगा 100% आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आएगा भी तो 74,000 पदों पर आएगा, न 17,000 पे आएगा, न 51,000 पे आएगा, न 97,000 पे आएगा, ठीक है ना। आएगा विज्ञापन तो आपका 74,000 के बीच में आएगा, मतलब या तो 72,000 या तो 74,000। बात समझ में आ रही ना। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, और ये चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए कार्य करता है। आज महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है आपके लोक सेवा आयोग में, कला विद्यार्थियों की नियुक्ति और एज रिलैक्सेशन आदि के संबंध में, क्योंकि शासन की ये मंशा है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए जो EWS के विद्यार्थी हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग ने 2-3 साल पर सहमति दी है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को PCS में 2 अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मीटिंग का सारांश यही है, और जो हम लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि आप लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर मिले, इसके लिए लगभग सचिव और अध्यक्ष में जो है वो सहमति बनती हुई दिख रही है कि विद्यार्थियों की मांग जायज है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज अध्यक्ष महोदय से मुलाकात का भी समय है हमारा, उनसे मुलाकात होगी। और इंटीग्रेट GIC प्रवक्ता के साथ साथ तमाम उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को लेकर के आप सभी लोग परेशान हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम जो है उनसे डिस्कशन करेंगे। और बातचीत करने के उपरांत उनसे विनम्र रिक्वेस्ट करेंगे कि एल्टीग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी आप लोग कदम उठाएं, ताकि जल्दी से जल्दी इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां आदि भी हो सकें। वेटिंग लिस्ट को भी कन्फर्म किया जाएगा कब तक वेटिंग लिस्ट आ रही है, और विज्ञापन के संबंध में विज्ञापन तो बिल्कुल भी एकदम कन्फर्म कर लिया जाएगा भैया विज्ञापन कब तक जारी करते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपने नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया कि हमारे पास इतने अध्याचन आए हैं और इतने अध्याचनों पर आपका एल्टीग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन एक साथ जारी होगा, ये तो बात है। लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग ने ये नहीं स्पष्ट किया है कि हम 1 tier कराएंगे या 2 tier कराएंगे, है ना। शासन को जो प्रस्ताव भेजा है अभी तक शासन ने इस पर मंजूरी नहीं दिया कि 2 tier एग्जाम कराओ, है ना। वाय द वे अगर मान लीजिए कि आपका 2 tier एग्जाम होता भी है, वाय द वे जिसकी संभावना केवल 5% है, ठीक है, 95% अभी 1 day एग्जाम है। अगर मान लीजिए 5% 95% या 100% में तब्दील होता है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक ही दिन आपका प्री और मेंस दोनों होगा। सुबह में प्री दीजिए, शाम को मेंस दीजिए। अगर आप प्री में क्वालिफाई होते हैं तो मेंस की आपकी कापियां जचेंगी, नहीं तो जाओ, गेट आउट आउट। बात समझ में आ रही ना। जैसे DSSB में होता था पहले, वो सारी चीजें जो है मतलब इसमें भी फॉलो की जाएंगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। और जो फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो महानुभाव लोग अभी भी सो रहे हैं, सोते रहो भैया सोते रहो। और जो लोग ये निश्चिंत हैं कि हम एग्जाम दे लेंगे,
बाद में उनके लिए समस्याएं आएंगी जब उनकी सिलेक्शन आदि होंगे तब, ठीक है। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल में आप सभी लोगों को बेहतरीन तार्किक सत्यता और आप लोगों के लिए करने की कार्य करने की जो कर्तव्य निष्ठा हो वो पूरी तरीके से इस चैनल में दिख जाए। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ।